प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक ऐसे लेके पतला पतला, प्याज पतला पतला काट के ऐसे छीलना से छील दे। लहसुन छोटा छोटा काट के, छोटा छोटा काट काट के मिर्ची छोटा छोटा काट के इसमें पतला पतला, अदरक छोटा छोटा काट के पतला पतला, बस बड़े चम्मच तेल डाल दे, गरम हो जाए तो आधा चम्मच जीरा डाल दे, जीरा पक जाए तो इसमें प्याज डाल दे, फिर इसमें अदरक डाल दे, इसमें लहसुन डाल दे, फिर कटे हुए मिर्ची डाल दे। अब इसमें आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डाल, आधा स्पून हल्दी, आधा स्पून लाल मिर्ची, आधा एक स्पून गरम मसाला, धनिया डाल, थोड़ा सा चाट मसाला, एक कटोरी मैदा, स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन, एक चम्मच तेल, अब मिक्स करके पानी से बस कर, मिक्स हो गया ना पानी, मिक्स करके ऐसे बनने लगे समझो मैं सही है, ऐसे करके ऐसे ऐसे मुट्ठी बांध के देख लेते हैं बन रहा है मैं सही, बस आटा गूंद रहा है। गूंज के ये सॉफ्ट गूंज के ऐसे रख दे, थोड़ा इसे ढक दे, मसाला मसाला में एक कटोरी भूंजी भूंजिया मिला के मिक्स कर दे, छोटा छोटा गोला गोला ऐसे करके, नहीं फोन पे बात कर रही थी, हाँ वही बना रही हूँ, बना रहे हाँ बना रही थी,
आज बना रही हो स्पेशल नमकीन की कचौड़ी बना रही हो। ये गोला कर, हाँ बेल बेल के, हाँ बेल बेल के कचौड़ी नमकीन की बना रही हूँ। यूट्यूब पे डालूंगी तो देखना। उसे उसमें एक डाल के डेढ़ स्पून मिक्सचर अपना डाल के बंद करके तेल गर्म हो जाए तो ये डाल ऐसे तेल के ऊपर पकाएगा कटोरी धीमे आंच में कवर करनी। एक हफ्ते तक आप खा सकते हो, खराब नहीं होता है। सफर में भी ले जा सकते हो बना के, ये कभी खराब नहीं होता। दही है, दही में भूंजा हुआ थोड़ा सा जीरा, एक चुटकी काला नमक डाल के मिक्स करके खाओ। कुरकुरे ये देखो, ये देखो कितना मस्त भरा हुआ कुरकुरा कुरकुरा।